यही है कि ऑब्वियसली सर आप मोस्ट यूजुअली एक्सरसाइज करते हैं ना जिम के अंदर, तो आप पंपिंग, तो इधर भी पंपिंग ही मकसद है। मैं नहीं मानता। इसके नंबर्स हैं वैस्कुलैरिटी के और ये जो फाइबर्स हैं इनके नंबर्स हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। स्किन है और मसल है, उनके बीच में वाटर होता है, तो उसको निकालना होता है ताकि वो बिल्कुल उसको एक ड्राई लुक दे। तो वाटर की इनटेक बंद करने के बाद उसको ड्राई करने का मकसद यही होता है। इस महंगाई में मार्स चॉकलेट खाने का बॉडी बिल्डर्स को क्या बेनिफिट होता है? ब्रदर के साथ हम यहाँ दोबारा हम इंटरव्यू कर रहे हैं। अभी इनके जो साथ पीछे स्टूडेंट्स खड़े हैं वो थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि अभी वो मार्स चॉकलेट खा रहे थे, इस महंगाई में मार्स चॉकलेट खाने का बॉडी बिल्डर्स को क्या बेनिफिट होता है? मार्स चॉकलेट कंसिडर की जाती है, सबसे ज़्यादा शुगरी होती है, वो बहुत ज़्यादा शुगर होती है उसमें, तो कैरामेल है बेसिकली। वैसे तो स्निकर्स वगैरह भी है, उसमें नट्स वगैरह होते हैं, बट कैरामेल ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं शुगरी कंटेंट ज़्यादा होता है, तो हिट करने के लिए इनकी बॉडी को शुगर से ये होता है कि डिप्राइव होती है बॉडी इनकी काफ़ी अरसे से, तो जब शुगर ऐड करती है तो एकदम से इनका मसल एक्सपेंड होता है, तो वार्म अप करा के इसको इसलिए मार्स खिला के स्टेज पर भेजेंगे। इसमें तो कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी बिल्डर्स को छुड़वाए जाते हैं। थोड़ा पहले कराते हैं, मैं तो पहले कराता हूँ, बाकियों का नहीं पता। हर कोच का अपना फ़ायदा होता है। दूसरा, ये भी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, डंबल से थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा कंपटीशन के दौरान? यही है कि ऑब्वियसली सर आप मोस्ट यूजुअली एक्सरसाइज करते हैं ना जिम के अंदर, तो आप पंपिंग, तो इधर भी पंपिंग ही मकसद है। मैं नहीं मानता। और पंपिंग क्या इतने टाइम तक रहती है कि अभी ये वार्म अप कर रहे हैं और जब स्टेज पे खड़े लोडिंग कराई है ना, वो पंपिंग इसको रिटेन रखेगी, मतलब स्टेज तक रहेगा। जो इसकी ये फूड इनटेक हमने बढ़ाई है ना अभी, जो अरसे से ये डिप्राइव था, तो अब ये है कि ये इस पंप इसका रहेगा, ऑब्वियसली वहाँ पे मूवमेंट तो होगी ना। और ये बताएं कि वाटर वगैरह वो एथलीट्स इतने या बॉडी बिल्डर्स कंपटीशन के दौरान नहीं पीते, इसका क्या नुकसान होता है बॉडी में? देखो फैट स्किन है और मसल है, उनके बीच में वाटर होता है, तो उसको निकालना होता है ताकि वो बिल्कुल उसको एक ड्राई लुक दे। तो वाटर की इनटेक बंद करने के बाद उसको ड्राई करने का मकसद यही होता है, क्योंकि जो स्किन है मसल्स हैं, जो बीच में वाटर है ना, क्या कहते हैं उसको, सबक्यूटेनियस, ऐसा ही है, तो वो उसको हटाने के लिए ताकि फाइबर्स विजिबल हो। और जिस बंदे में वैसे ही वाटर कम है तो उसको क्या स्टेज के दौरान, तो फिर वो चक्कर शक्कर आके वैसे गिर सकते? देखो जिसका वैसे ही बंदा, तो उसको उतना लंबा अरसा उसको बंद नहीं कराते हैं, लाइक किसी को एक दिन कराते हैं, किसी को दो दिन कराते हैं, तो मैक्सिमम दो दिन बहुत होता है मेरे ख्याल में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? व्यूअर्स को मैं यही पैगाम दूंगा कि यार फिटनेस रखो अपनी, आप लोग ज़रूरी नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग ही करो, आप कोई भी अपनी स्पोर्ट्स कर सकते हो। और आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहें थोड़े बहुत पोज करने करके बताएं। दो तो मेरे चले गए हैं, जूनियर खेल रहे हैं, ये सीनियर है, साइड चेस दो समीर, ये अभी आपको पोज करके बताएंगे। कैमरामैन थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, ये अभी पोज करके ये पास करके आगे बताओ। फाइबर्स वगैरह इसके नंबर्स हैं वैस्कुलैरिटी के और ये जो फाइबर्स हैं इनके नंबर्स हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यहीं से ट्राइसेप का दे दो। सबसे ज्यादा नंबर किसके होंगे? जो जब बड़ा मसल है वही लेग्स एंड देन एब्स और उसके बाद फिर बाकी मसल्स। बैक डबल बाइसेप, बैक की भी नंबर ज्यादा है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स के कम नंबर होते हैं। वो छोटा मसल है इस वजह से, या बाइसेप ट्राइसेप, ठीक है, बैक बड़ा मसल है, लेग्स बड़े मसल्स है, एब्स बड़ा मसल है, एब्डोमिनल सेक्शन, ठीक हो गया। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे फिट स्टे हेल्दी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।